Good morning friends. Today we will study Henri Fayol's 14 principles of management. Henri Fayol was a French management theorist. He was the first one to give four functions of management, that is planning, organizing, directing and controlling. He made a clear distinction between technical and managerial scheme. He has given 14 principles to guide managers. For his contribution, he is known as father of general management. Now we study 14 principles of management, which are very important from the examination point of view. The first is division of work. It refers to dividing the work into small tasks or jobs and allocating it to different individuals. Taylor कहते हैं कि किसी भी technical या managerial work के लिए division of work applicable है. इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट मिलते हैं. जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिलेंगे. जिन एम्प्लॉयज को मशीन ऑपरेट करने का टेक्निकल नॉलेज है वह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे. इसमें भी यह वर्क ग्रुप में डिवाइड होगा. यह वर्क किस बेसिस पर डिवाइड होगा? तो यह वर्क उनके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज की बेसिस पर डिवाइड होगा. बार बार वही काम करने से उन्हें स्पेशलाइजेशन मिलेगा, जिसका बेनिफिट एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मिलेगा. इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. एफिशिएंसी मतलब कम कॉस्ट में ये वर्कर ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा. इसी तरह जिन्हें फंड से रिलेटेड नॉलेज है वह फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे, और जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आसानी से कस्टमर को सेल कर सकते हैं वह मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे. इस तरह एम्प्लॉय के एक्सपर्टाइज की बेसिस पर उन्हें डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम डिवाइड होते हैं, या बार बार वही काम करने से भी उन्हें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है. टेलर कहते हैं कि हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स हो, सभी में डिवीजन ऑफ वर्क एप्लीकेबल है. जैसे इंश्योरेंस कंपनी में आपको अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, प्रीमियम डिपार्टमेंट, क्लेम डिपार्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड डिवीजन ऑफ वर्क. सेकेंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी इज द राइट ऑफ अ सुपीरियर टू गिव ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस टू द सबॉर्डिनेट एंड टू गेट द वर्क डन फ्रॉम हिम. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू फॉलो ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बॉस एंड डू द वर्क असाइन टू हिम. देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सपोज एक सेल्स मैनेजर को एक महीने में 1000 यूनिट सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उसे कस्टमर के साथ निगोशिएट करके कुछ प्राइस कम करने की अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए, अदरवाइज वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएगा. दूसरे केस में यदि सेल्स मैनेजर को जरूरत से ज़्यादा अथॉरिटी दी गई तो वह अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा. सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ऑफिशियल अथॉरिटी एंड पर्सनल अथॉरिटी. ऑफिशियल अथॉरिटी किसी मैनेजर को उसकी पोस्ट के हिसाब से मिलती है, जबकि पर्सनल अथॉरिटी उसके अच्छे व्यवहार की वजह से, ट्रस्ट की वजह से उसे मिलती है. यह अथॉरिटी फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों हो सकती है. यदि हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस रखेंगे तो अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा और हम आसानी से किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं. मतलब अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो हम प्रोडक्शन मैनेजर से पूछ सकते हैं कि आपको बराबर अथॉरिटी दी गई थी, फिर आपने अपना टास्क फुलफिल क्यों नहीं किया. सेल्स मैनेजर से पूछ सकते हैं कि आपको प्राइस कम करने की कुछ अथॉरिटी दी गई थी तो आप 1000 यूनिट्स क्यों सेल नहीं कर पाए. सो इन दिस वे वी कैन फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन. द थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन. इट रेफर्स टू ऑबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज नेसेसरी फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
डिसिप्लिन फॉलो करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर अच्छे सुपरवाइजर्स, क्लियर एग्रीमेंट, पेनाल्टीज और रिवॉर्ड्स डिसाइड होने चाहिए। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम डिसाइड होता है, स्मोकिंग अलाउड नहीं होती, मेडिकल लीव्स, कैजुअल लीव्स डिसाइडेड होती है, यह लिमिट क्रॉस करने पर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ फाइन भरना होता है। यदि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों ही डिसिप्लिन फॉलो करें तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई केओस नहीं होगा, देयर विल बी बेटर रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट शुड सेट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन इन देयर ओन बिहेवियर। सपोज मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि कंपनी को पहले लॉस से उभारने के लिए वर्कर्स सेम वेजेस पर एक्स्ट्रा टाइम करेंगे और बाद में प्रॉफिट होने पर कंपनी उन्हें इंक्रीमेंट इन वेजेस देगी। अब दोनों ही पार्टीज को डिसिप्लिन फॉलो करते हुए अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। इफ एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज डिसिप्लिन देन देयर विल बी स्मूथ एंड सिस्टमैटिक फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंड देयर विल बी बेटर रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। द फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। According to this principle, a subordinate should get orders and instructions from one boss, one superior only, and the subordinate should be accountable to one superior only. लेकिन यदि organization में एक subordinate को एक से ज्यादा superior से order instructions मिलते हैं तो वह confused हो जाएगा कि किसके instructions वो पहले follow करे। इससे superior की authority भी weak होगी। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में इस कारण सुपीरियर्स के बीच में डिस्प्यूट्स भी अराइज हो। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड आपको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में देखने के लिए मिलेगा। फंक्शनल फोरमैनशिप में यह प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्ट होता है क्योंकि वहां एक वर्कर को एट फोरमैन से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। यदि हम ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि एम्प्लॉयज को पता है कि उन्हें किससे ऑर्डर लेना है, किसे फॉलो करना है, किसे रिपोर्ट करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन कैन बी इजीली फिक्स्ड अप। देयर विल बी अ बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। अभी एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने प्रोडक्शन मैनेजर को ऑर्डर दिया कि वह सुपीरियर क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज करे ताकि सेल्स ज़्यादा हो। वहीं चीफ फाइनेंस ऑफिसर प्रोडक्शन मैनेजर से कहते हैं कि वह एवरेज क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करे ताकि फंड्स कम लगे। अब एक ही प्रोडक्शन मैनेजर को दो ऑफिसर्स अलग अलग ऑर्डर्स दे रहे हैं तो इस केस में प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होता। नाउ द फिफ्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव्स। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का मिशन है कि वह अपने कस्टमर्स को रिजनेबल प्राइजेस में क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें तो उन्हें यह ऑब्जेक्टिव अपने पूरे डिपार्टमेंट्स को देना चाहिए, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। यदि सभी डिपार्टमेंट्स और सभी एम्प्लॉयज मिलकर एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे तो मिशन जरूर सक्सेसफुल होगा और इसका रिजल्ट होगा प्रेजेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। लेकिन यदि सभी डिपार्टमेंट्स और सभी एम्प्लॉयज अपने अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कभी सक्सेसफुल नहीं होगा और इसका रीजन होगा लैक ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे टाटा मल्टीनेशनल कंपनी है, वह वॉचेस, ज्वेलरी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मोटर कार सभी बनाती है। अब यह अलग अलग प्रोडक्ट लाइन्स, अलग अलग डिविजन्स है। हर एक डिवीजन के लिए एक सेपरेट हेड और सेपरेट प्लान होना चाहिए तभी कंपनी के टारगेट सक्सेसफुल होंगे। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन गोल्स एंड हेल्प्स इन अचीविंग देम। इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन।
It avoids duplication of efforts and unnecessary waste of resources. I hope you have understood this principle. The sixth principle is subordination of individual interest to general interest. According to this principle, the interest of an organization should prevail over the interest of individual employees. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना और अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना, जबकि इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, जैसे इंक्रीमेंट इन सैलरी, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी, मोर हॉलीडेज। मैनेजमेंट को चाहिए कि वह ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट फुलफिल हो। लेकिन यदि कंपनी लॉस में हो और ऐसी कोई भी पॉलिसी पॉसिबल ना हो तो एम्प्लॉयज को अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए। किसी भी मैनेजर को अपनी पोस्ट का मिसयूज नहीं करना चाहिए और ना ही करप्शन करना चाहिए। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। This principle helps in achieving goals of organization. This principle coordinates the individual and organizational objective. Now the seventh principle is remuneration of employees. According to this principle, overall pay and compensation should be fair to both employees and organization. Now what is fair remuneration? ऐसा रेमुनरेशन जो एम्प्लॉयज को एक स्टैंडर्ड रिजनेबल लाइफ दे सके और जो ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी में भी हो, ऐसे रेमुनरेशन को हम कहते हैं फेयर रेमुनरेशन। यदि किसी साल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस प्रॉफिट हो तो उन्हें प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना चाहिए। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। It increases the motivation of employees as they are fully paid for their services. It maintains a cordial relation between management and employees. It improves the commitment of employees towards organization.